बड़ी कार्रवाई। 30,44,000 रुपए के सोने और हीरे के आभूषणों के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा। नागपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक व्यक्ति को 30,44,000 रुपए के सोने और हीरे के आभूषणों के साथ पकड़ा है। संबंधित व्यक्ति को आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग के हवाले किया गया। जानकारी के अनुसार रविवार को महिला प्रधान आरक्षक उषा तिग्गा तथा आरक्षक विकास शर्मा, महिला आरक्षक सुषमा ढोमने द्वारा नागपुर स्टेशन पर गश्त के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इटारसी छोर के फुट ओवर ब्रिज के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बैग के साथ पाया गया। उससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम दिनेश कुमार मिश्रा बताया और नागपुर इतवारी का निवासी बताया। बैग के संबंध में पूछताछ में उसने बैग में सोने के तथा हीरे के आभूषणों की जानकारी दी। उस व्यक्ति को आरपीएफ थाना लाकर आगे की जांच के लिए उपनिरीक्षक विद्याधर यादव के सामने पेश किया। उपनिरीक्षक विद्याधर यादव के सामने इस वर्ष 2018 में अभी तक गोल्ड डायमंड बेशकीमती स्टोन की 5 केसेस पकड़े गए हैं, जिसकी कुल कीमत 2.6 करोड़ आकी गई है। यह कार्रवाई वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ ज्योति कुमार सतीजा के मार्गदर्शन में की गई। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।